अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं है रोहान व्लॉग्स। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 एटलीस्ट, और कॉलेज का टाइम होने वाला है। उठा हूँ, मैंने कहा चले व्लॉग भी बना लेते हैं साथ। कॉलेज जाना था, एग्ज़ाम देना था, चले चलते हैं और मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो गाइस, रेडी भी हो गया था मैं, और उसके अलावा मैं घर से भी निकल आया हूँ, अभी अपनी गली में ही हूँ। चलें चलते हैं तलहा भाई की शॉप पे, और वहाँ पर जाके अहमद को करते हैं कॉल। और धूप भी बहुत है। चले खैर, मेरा मास्क, क्योंकि COVID-19 अभी भी चल रहा है। और चले मिलते हैं शॉप पे। पहुँच इस टाइम शॉप पे पहुँच चुके हैं, और अब बारी है अहमद को कॉल करने की, और जल्दी से जाना है। और आफत साहब इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मैंने 8:30 का टाइम दिया था, अभी 8:25 हो गए हैं। चले खैर, पहुंच जाएंगे इतनी देर तक इंशाल्लाह। तो इस टाइम मैं हाफज रजा के घर के बाहर पहुंच चुका हूं, और अहमद साहब ने कॉल नहीं उठाई। पता नहीं उन्हें देना भी है एग्ज़ाम के नहीं, आई डोंट नो। चले अब हाफज साहब का वेट कर रहे हैं, कब आते हैं। सो फाइनली आफर साहब आ चुके हैं, पेपर बोर्ड और मोबाइल मुझे पकड़ा दिया, और बाइक लेने गए हैं। और हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं, कैब ली है, और पर मास्क करना है क्योंकि आफर साहब ने मास्क नहीं लिया। और मैंने कहा कॉलेज से मिल जाएगा, चौकीदार ने रखा होगा, लेकिन पता नहीं अब क्या होता है। अगर ना मिला तो आफर साहब की छुट्टी। क्यों आफर साहब छुट्टी रोकनी तो सही है ना, किसी ना किसी दुकान पर लभ तो लैना है। ओह या, सबने मार्क्स ले लिया। चलो खैर, आप साहब ग्रांड के साथ नाश्ता, क्यों आप साहब डन हो गया, डन हो गया। चले चलते हैं अब नाश्ता करते हैं जाके। कैब मेरी गिर गई थी वहाँ पे। नाश्ता तो हो गया, अब चलते हैं घर। घर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। दूसरा काम हाफिज साहब ला दो उनका हार्ड नो। सो गाइस, पर गर्मी बहुत थी, और ये देखिए कैप ली थी, बाल भी सारे ख़राब हो गए हैं। तो मैं पापा आपके को भी छोड़ आया हूँ, पापा के पास से भी होके आ गया हूँ। हाँ जी, और पापा ने एक नई न्यूज़ चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो वो पापा की भी 2 डोज मुकम्मल हो गई थी, इस वजह से उन्होंने भी वो न्यूज़ पढ़ी, और वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे है। मैं कहती पापा जी कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चलें अब थोड़ा सा फिजिक्स का याद कर लें, सर ने बहुत 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 डांटना है और फाइन कर देना है अकेडमी में। चले पहले याद करते हैं, फिर मिलते हैं अकेडमी टाइम। बैटरी बॉक्स तो इधर ही बोल रहा हूँ। वाह, अब हम कैप नहीं लेंगे, हम चलते हैं अकेडमी के लिए।
और दोपहर गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, पानी से ज़्यादा है। चलो सारे लोग बैठे हुए हैं, सुबह कॉलेज के लिए कॉल की तो उठाई नहीं, सोया हुआ था। हमें क्या फाइन देगा खुद ही, मेरा अप टू डेट पकड़ है। बैग में डाल दे। भाई इसकी बोतल रह गई, फिर याद नहीं रहा लानी। तेरी वाला पेपर मेरा चंगा हो गया ही। सुता पे कख मत लाओ, हैंडा ही मैंने उस बंदा ने फोन की थी जाना चुके ना, कोई नु पता ही नहीं कि फोन है कौन सा दे रहे हैं। हमें भी कैसी अभी हफ्ता आने वाले हैं, इंतजार कर रहा अब ऐसा अब ये बोले कि नहीं मैं जो लाया मैंने बोल दिया फोन भी नहीं किया यार पेपर एंड खुश आमदीद। आ शीट चुकने हो, एमसीक्यू वाली शीट चुकने सारे एमसीक्यू सही ने वाह ओने बहाने ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਣੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਸਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਤਾ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਸਬ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਨਹੂਸ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਢੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਚਿੰਗ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਖਾਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਸਹੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ यार मैं आप आखिरी गल करती शाम को आसम ना जी ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਨੂੰ ਆਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਆਸਮ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਇਤਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੰਦਰੇ ਹੋਗਾ ਬੜਾ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਆਦੀ ਅੱਜ ਅਬੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੁਨ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਨੇ ਆਹੋ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਜ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਧਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰ ਕੁੰਟ ਉਹ ਦੁਆ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਾ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਇਹ ਮਾੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਨ ਚਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚਲੋ ਕਰ ਲੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੜਾ पता मुंडे लाइट आ गई है और अभी कमेंट किए जा रहे हैं अहमद तेरे वाल है क्यों है
ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਬ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ तो गाइस फाइनली हमें एकेडमी से रिलीज़ कर दिया गया, मतलब कि छोड़ दिया उन्होंने, कहा चले जाओ आपकी ज़रूरत नहीं है। खैर हम पहुंच चुके हैं घर और अब बारी है, आपको दिखाता हूं बर्ड्स और प्लांट्स, फिर हम करेंगे व्लॉग को एंड। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आगे आपको व्लॉग किस टाइप का चाहिए। चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट।